हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रेडिएटर से पानी निकल रहा, उबाल मार रहा, जैसे कि जब इंजन हीट होता है तब उबाल मारता है, वैसे ही रेडिएटर से पानी ऊपर की ओर फेंक रहा है। तो आज इसे देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, और आप लोगों को बताएँगे इसमें फॉल्ट क्या है, दिक्कत क्या है, और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको इसे बताने वाला हूं। देखिए अभी अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। देखिए ये देखिए ये देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही पानी रेडिएटर से ऊपर की ओर फेंकने लगता है। ये देखिए कैसे फेंक रहा है। ये देखिए जैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही ये फेंकने लगता है ऐसे पानी। तो इसमें रेडिएटर का तो शायद कोई फॉल्ट है नहीं, तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें हेड में प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर हेड में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, अभी आप लोगों के सामने से खोल कर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या फॉल्ट है और उसका क्या सोल्यूशन है, वो सब हम आप लोगों को अभी बताएंगे। तो ये देखिए, और इसके साथ साथ ये धुआं भी ये ज़्यादा मात्रा में मार रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। देखिए जैसे ही रेस देते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, वैसे ही धुआं निकलता है। ये देखिए यानी ज़्यादा मात्रा में धुआँ निकल रहा है, इसका भी फॉल्ट आप लोगों को बताएंगे ये किस कारण से इसमें इतना ज़्यादा धुआं फेंक रही है, ऑयल फेंक रही है। और इसका बैक कंप्रेसर देखते हैं नीचे से, ये देखिए जो पाइप आता है बैक कंप्रेसर का, उसमें देखते हैं। ये देखिए ये पाइप है जिससे बैक कंप्रेसर होता है। ये देखिए देखिए अंदर में हल्का हल्का तो वाइट वाइट सा दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि ऑयल में पानी मिक्स है। ये देखिए देखना, देखिए हमारे उस्ताद जी उंगली डाल रहे हैं, ये देखिए उस्ताद जी की उंगली में देखिए वाइट कलर का लगा हुआ है, यानी ऑयल में पानी मिक्स हो रहा है। अब कहाँ से मिक्स हो रहा है, कि इसकी टिक्की लीक हो गई है, कि गैस्केट में कोई प्रॉब्लम है, वो तो देखने अब खोलने के बाद ही पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये पहले हम जहाँ से ऑयल डालते हैं वहाँ से खोल के देख लेते हैं कि टेबिट कवर के अंदर ऑयल में पानी तो नहीं है, इसमें पानी तो नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम इसको बंद कर दे रहे हैं। अब हम कंप्रेसर हेड ये जो है 13 नंबर के बेंजो बोल्ट लगा हुआ है, इसे खोलेंगे, इसे खोलने के बाद देखेंगे, निकालने के बाद स्टार्ट करके फिर इसमें पानी उबाल मार रहा है या नहीं मार रहा है। ये देखिए 13 नंबर का बेंजो बोल्ट है और इसे हम खोलेंगे, खोल कर इसको हटाएँगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं रेडिएटर जो है पानी का उबाल मारता है या नहीं उबाल मारता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कंप्रेसर से भी ये फॉल्ट होते हैं कि पानी रेडिएटर से निकलने लगता है, उबाल मारने लगता है, इसलिए इसको हम इस टी को खोल लिए हैं, यानी जिसे हम बेंजो बोल्ट बोलते हैं, कोई इसे टी भी बोलते हैं, हम लोग इसे बेंजो बोल्ट बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए इसको खोल दिए हैं और खोलने के बाद इंजन को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि मतलब रेडिएटर से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर इसका फॉल्ट होगा तो रेडिएटर से पानी नहीं निकल रहा होगा, अगर इसका फॉल्ट नहीं होगा तो वैसे ही उबाल मार रहा होगा। फिर भी ये देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसको पानी डाल रहे हैं बॉटल से, और ये देखिए अभी देखना, ये देखिए फिर भी उबाल मार रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका एक कंप्रेसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसका प्रॉब्लम हेड से हो सकता है, गैस्केट से हो सकता है, हेड गैस्केट से, कोई टिक्की भी लीकेज हो सकती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे ही करके चेक करिएगा, सबसे पहले छोटी छोटी सी कमियों पे ध्यान दीजिएगा, पता लगे हमने खोल दिया इंजन को और फॉल्ट था हमारा इधर कंप्रेसर की तरफ से, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है पहले छोटे फॉल्टों पर आप ध्यान दीजिए। ये देखिए मैं ऑयल पाइप को निकाला, ऊपर से जो एयर का होता है उसमें भी वाइट वाइट दिख रहा है। ये देखिए
तो हम अब खोलेंगे इसका टेपिट कवर, टेपिट कवर खोलेंगे। साइलेंसर से जो धुआं मार रहा था ना, जो ज़्यादा होए, तो इसके लिए भी हमने साइलेंसर खोला है। ये देखिए इसका फॉल्ट भी लग रहा है, साइलेंसर से धुआं जो आ रहा है, या पानी आने के कारण भी हो सकता है कि जब ऑयल में पानी मिक्सचर होता है तो धुआं ज़्यादा, या तो इसका टर्बो भी ख़राब हो सकता है, आप टर्बो भी इसे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम टर्बो से ही होता है, टर्बो में जो पंखा लगा हुआ था उसके सीले कट जाते हैं, इसके कारण भी धुआं ज़्यादा देने लगता है। इसलिए डायरेक्टली इसका टर्बो ही चेंज कर दे तो ज़्यादा सही। हमने टेपिट कवर खोल दिए हैं और टेपिट कवर खोल के हेडाप्टर इसके अब निकालेंगे, हम देखेंगे कौन से हेडाप्टर से पानी जा रहा है। तो ये देखिए खोल रहे हैं हम, 13 नंबर के बोल्ट लगे हुए रहते हैं हेडाप्टर पे। ये देखिए ये तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये है पहला हेडाप्टर सही है, और ये दूसरा हेडाप्टर है। इसमें देखिए देखिए वाइट सा दिख रहा है और पानी सा दिख रहा है, इसका मतलब दूसरे वाले हेडाप्टर पे पानी है। ये देखिए शायद आप दो लोगों को क्लियर दिख रहा हो, ये देखिए अंदर हल्का हल्का तो वाइट सा दिख रहा है ना, इसमें पानी यानी दूसरे नंबर हेडाप्टर से पानी आया हुआ है। ये देखिए इसका फॉल्ट ये है कि दो नंबर हेडाप्टर से इसमें पानी जो है आया हुआ है। हो सकता है इसके नीचे जो वार्सल लगे रहते हैं वो लीकेज हो, गैस्केट ख़राब हो, या तीसरे नंबर की हेडाप्टर है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिए बिल्कुल सूखा है। और अभी चौथे नंबर के हम निकालेंगे, ये देखिए चौथे नंबर का भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑयल है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है हेडाप्टर इसका भी। और अब हम पाँचवें नंबर का निकालेंगे, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे छठे नंबर का हेडाप्टर, ये देखिए छठे नंबर में भी हल्का हल्का सा लग रहा है, हल्का हल्का पानी है इसमें। ये देखिए कि वाइटपन दिख रहा है ऑयल पे, ऑयल लगा हुआ था इसमें, वाइटपन दिख रहा है, इस वजह से इसमें छठे नंबर पे हल्का हल्का सा लग रहा है। तो अभी हम इस हेड को निकालेंगे, निकालने के बाद इसका अंदर से देखेंगे नीचे तरफ से कि इसकी जो गैसकेट पड़ी हुई है उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, गैसकेट हमारी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई, फट तो नहीं गई, घिस तो नहीं गई है, जिसके कारण इसमें पानी आ रहा है। दो नंबर में ही प्रॉब्लम ज़्यादा है और छः नंबर में हल्की प्रॉब्लम है। तो इसका हेड हम जो है निकालेंगे, बाहर रखेंगे, बाहर रखने के बाद गैसकेट पे देखेंगे किसी प्रकार का निशान, या गैसकेट कट गई हो या बैंड हो गई हो, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही हो। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि ये दो नंबर से इसमें पानी आ रहा है और छः नंबर से भी पानी आ रहा है। ये देखिए हेडाप्टर जो आपका है, दो नंबर और छः नंबर, इनमें से पानी आ रहा है, इनमें पानी है। ये देखिए इसमें जो पीतल के वार्सल लगे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए आपको शायद दिख रहा हो गौर से, आप लोग ऐसे ही बिल्कुल बारीकी से देखिएगा ताकि पता लगे प्रॉब्लम यही हो, आप जल्दीबाजी में प्रॉब्लम ना देख पाएँ और पूरा इंजन खोल दें। तो हमने इसका हेड जो है निकाल दिया है और अब हम गैसकेट देख रहे हैं, धीरे धीरे करके एक तरफ से देखेंगे, यूँ हाथ से देखिए, जहाँ जहाँ मेरे उस्ताद जी का हाथ जा रहा है, हमारे खान उस्ताद हैं जो कि गैसकेट को चेक कर रहे हैं, हमारे खान उस्ताद ये देखिए चेक कर रहे हैं। ये देखिए आपको ऐसे ही उंगली रख रख के धीरे धीरे करके आपको चेक कर रहा है, जैसे कि हमारे कमर खान उस्ताद जी हैं चेक कर रहे हैं। ये देखिए दो नंबर है, ये दो नंबर की साइड चेक कर रहे हैं, ये देखिए आपको भी ऐसे ही चेक करना है धीरे धीरे करके, जिससे कि आपको इसका फॉल्ट या इसमें जो प्रॉब्लम हो वो साफ दिख जाए। ये देखिए अंदर चौथे नंबर में देखिए पानी लग रहा है, चौथे नंबर में पानी लग रहा है, जैसे कि ये देखिए हल्का हल्का आप लोगों को दिख भी रहा होगा, चौथे नंबर जहाँ पे ये उंगली रखे हुए हैं उस्ताद जी, ये देखिए तो गैसकेट में प्रॉब्लम है इसकी। ये देखिए गैसकेट हल्की सी कटी कटी सी लग रही है, यानी घिस गई है गैसकेट। ये देखिए अभी निकालने के बाद भी आपको हम दिखाएंगे पीछे की तरफ से कि इसमें कहाँ से गैसकेट कटी हुई है और कहाँ से ये बैंड है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए चौथे नंबर पे, ये देखिए बोर में पानी जा रहा है, ये देखिए जिसकी वजह से इंजन आपका हीट हो रहा है और उबाल मार रहा है आपका रेडिएटर से पानी।
तो आप लोगों को भी ऐसे ही चेक करना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी डैमेज है। देखिए, और हमने हेड गैस्केट को निकाल दिया है, और निकाल के आपको अब दिखाएंगे नीचे की तरफ से उसकी दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ भी बैंड है या तो फ्रंट में ही खाली बैंड है, कैसा क्या है वो आप लोगों को अभी हम दिखा रहे हैं। इसकी निकालेंगे, ये देखिए निकाल रहे हैं उस्ताद जी हमारे। आराम से निकालिएगा ताकि ये टूटे ना गैस्केट और बैंड भी ना हो, इसलिए इसको बिल्कुल आसानी से निकालिएगा, आराम से। ये देखिए, ये देखिए, इसे पलटा रहे हैं, और पलटाने के बाद फिर उस वैसे ही चेक करेंगे जैसे कि हम ऊपर वाले हिस्से पे चेक कर रहे थे। ये देखिए चार नंबर पे, देखिए हाउसिंग पे भी दिख रहा है, ये देखिए निशान दिख रहा है ना आपको, यानी गैस्केट इसकी जो है डैमेज है। ये देखिए, ये देखिए कट गई है, देखिए होल कितना बड़ा हो गया है चार नंबर का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कटा चार नंबर से है और पानी दो नंबर में जा रहा था। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, और ये खरादी के पास जाएगा। अब खरादी चेक करके इसका जो है हेड है ना, खरादी को देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे डैमेज है ना आप, ये देखिए, ये देखिए, ये जहाँ पे एरो का निशान आपको बार बार इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे ये जो है गैस्केट आपकी ख़राब है, डैमेज है। ये देखिए ये ख़राब है, मतलब आपको गैस्केट जो है दूसरी ही डालनी पड़ेगी, ये गैस्केट अब नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप चेक कर लीजिए, इससे आपको फॉल्ट पता चल जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट था। ये देखिए निकल गया, देखिए कितना बड़ा होल हो गया इससे, इसकी ये गैस्केट ख़त्म हो गई है, और इसके हेड में भी प्रॉब्लम हो सकती है जी। ये देखिए, ये देखिए होल इसमें बड़े बड़े दो तीन जगह के गैस्केट में बड़े बड़े होल हो गए हैं, फॉल्ट है दो तीन जगह गैस्केट पे। और ये गैस्केट की सीट है जिसमें हम गैस्केट को बिठाते हैं ब्लॉक में, ये देखिए, ये देखिए, ये रखा हुआ हेड हमारा नीचे। हेड में भी देखेंगे अभी क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो खरादी के पास इसे जाना ही है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं जिससे कि हमें फॉल्ट पता चल जाए। ये देखिए जहाँ पे पिस्टन ठोकर मारता है, हेड अडैप्टर आपका जहाँ पे तेल छिड़काव करता है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से भी डैमेज है। ये देखिए, ये देखिए आपका हेड भी डैमेज है। तो ये खरादी के पास जाएगा, वो इसको सही करेगा, बनाएगा चेक करके। आपको भी ऐसे ही चेक करना है, धीरे धीरे चेक करना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है कि आपको इसका फॉल्ट ही ना पता चले, इसमें फॉल्ट क्या था और हमने हेड को उतार दिया, गैस्केट भी डाल दी और आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चली कि इसमें प्रॉब्लम थी क्या। इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे करके इसको देखना है कि कहाँ पर इसका फॉल्ट है, कहाँ। ये देखिए इसका बुश भी जो रहता है ना, इसमें हेड अडैप्टर आपका फंसा होता है, ये देखिए, ये देखिए डैमेज दिख रहा है यहाँ से, तो इसे बनवाना पड़ेगा और ये खरादी ही बनाएगा इसे, हम तो बना नहीं सकते, नहीं तो हम आपको दिखाते बना के। हालांकि ये खरादी के पास जाएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसे इसमें जो है बुश वगैरह पड़ते हैं और खरादी इसे कैसे रिपेयर करता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए जो बुश दिख रहा है आपको, ये देखिए पीतल का इसमें बुश होता है, ये देखिए जो आपको दिख रहा है जिसमें आपका हेड अडैप्टर लगता है वो ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए ये सारे वाल हैं, ये चार वाल हैं, देखिए ये देखिए जिसमें ऊपर स्प्रिंग रहती है, ये देखिए जिस पे आप टेपिट मिलाते हैं, चिड़िया जिसे आप लोग बोलते हैं, हम लोग भी चिड़िया ही बोलते हैं, ये वाल हैं। ये देखिए आपको अच्छी तरीके से इसका देखना है, ये देखिए, ये देखिए जैसे कि हमारे उस्ताद जी खान उस्ताद जी हमारे देख रहे हैं वैसे ही आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से भी डैमेज है, ये देखिए बैंड है, ये देखिए। कहने का मतलब जो आपका हेड है वो भी डैमेज है और आपकी गैस्केट जो है
वो भी डैमेज है, तो आपकी गैसकेट तो रिपेयर हो नहीं सकती। ये देखिए हमने उसको निकाल लिया है बाहर, ये देखिए, और इसको अभी हम सफ़ा करेंगे, सफ़ा करके देखेंगे कि इसमें और क्या फॉल्ट है उसमें। देखिए अभी इसे हम सफ़ा करेंगे, ये देखिए अभी, ये देखिए अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कि डैमेज सा लग रहा है, ये देखिए जहाँ पे वो होल है डैमेज सा लग रहा है, इसलिए इसे हम सफ़ा करेंगे। ये देखिए हमने सफ़ा करके इसको देखा, ये देखिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली अंदर जिसमें जो वार्सल लगता है फीतल का वो खाली डैमेज था, और ये ऊपर इसका जो है रबड़ है, ओरिंग भी से कोई कोई बोलते हैं, ये रबड़ कोई बोलता है, कोई ओरिंग बोलता है, कोई वार्सल बोलता है, आप क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये देखिए ये उसमें हम फिट कर दिए हैं उस पर, ये देखिए, ये देखिए इसने फिट कर दिया, इस उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो इसमें वार्सल लगता है अंदर वो वार्सल इसका ख़त्म हो चुका है, तो जब हम खरादी के पास ले जाएंगे वो रिपेयर करेगा इसे, तो वो सारा कुछ इसमें जो है नया डाल देगा, जैसे बुश डैमेज होगा, पहले तो बुश सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाली वार्सल इसका ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नया डाल देगा इसमें वार्सल जो है पीतल का। तो ये देखिए ऊपर का जो हेड है इधर वाल्व लगते हैं, आप चाहें तो वाल्व में ऊपर सिलेंसर में और कंप्रेसर में पानी भरकर भी चेक कर सकते हैं कि वाल्व तो हमारा लीकेज नहीं है, जहाँ से आप सिलेंसर के आपके जो होल होते हैं वहाँ पे आप पानी या तो ऑयल कुछ भी भर के चेक कर सकते हैं, और कंप्रेसर में भी डाल के वो डीजल वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो वाल्व है ये तो लीकेज नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना हम ध्यान नहीं दे पाते और यहाँ से वो लीकेज ही रह जाता है, और हम इंजन बनाने के बाद हमें फिर पता चलता है अरे ये तो लीकेज हो रहा है, बैक कंप्रेसर हो रहा है, ऑयल उठा रही है, ऑयल फेंक रही है, ये सारी प्रॉब्लमों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग ऐसे करके चेक कर ले डीजल वगैरह डाल के अंदर में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।